जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार साउथ एम्पटन में क्वारंटाइन हो रखी टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। अचानक से इस फैसले के बाद अब खिलाड़ियों को ऐसे गुजारना पड़ेगा समय। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार इंग्लैंड पहुंचते से ही क्या बड़ा फैसला भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर लिया गया है, जिसके बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने खुलासा किया कि टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए एजिस बाउल में अभ्यास करने से पहले 3 दिन तक पृथकवास में रहना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि फाइनल मुकाबला 18 जून से शुरू होगा और बुधवार को यहां पहुंचने वाली भारतीय टीम के पास तैयारी का बहुत कम समय होगा। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है, और जहां पर भारतीय टीम रवाना होने से पहले मुंबई में 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड पर रही थी, जहां पर अब वह कम अवधि के दूसरे पृथकवास पर है। तो वहीं दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम को विमान से यात्रा के दौरान एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें खिलाड़ियों की बात की गई थी। तो वहीं दोस्तों हम आपको बताएं कि अक्षर ने इस वीडियो में कहा, मैंने बहुत अच्छी नींद ली, हमें क्वारंटाइन में रहना है, हमें बताया गया है कि 3 दिन तक हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते, तो हम इतने दिनों तक क्वारंटाइन में कैसे रहेंगे। तो वहीं दोस्तों भारत की पुरुष और महिला टीम एक विमान से इंग्लैंड रवाना हुई, जहां पर इंग्लैंड पहुंचने के बाद भारतीय टीम बस 2 ही घंटे का सफर करके साउथैम्पटन पहुंची है। तो ऐसे में दोस्तों काफी बड़ी अपडेट है कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इन 3 दिन के दौरान किसी एक भी खिलाड़ी से मिलेंगे नहीं, और अब देखना होगा कि ये सभी खिलाड़ी किस तरह से अपना क्वारंटाइन पूरा करते हैं इंग्लैंड के साउथैम्पटन में। बाकी आपकी क्या राय है भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।